वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पाकिस्तानी स्टाइल वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। कैसा लग रहा है ये लुक, प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ इस तरीके का लुक वो लोग क्रिएट करते हैं, मैंने सर्च किया था। तो आई होप कि गाइज आप लोग को ये लुक अच्छा लग रहा हो। तो बिना टाइम वेस्टिंग चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये मेकअप। अगर चैनल पर न्यू हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोग को ये लुक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी NYP का कलर करेक्टर, बट इसमें से मैं कंसीलर वाला ले रही हूँ और कंसीलर शेड ले रही हूँ अपनी आईज़ को अच्छे से जो है प्राइम करने के लिए, मतलब कि अच्छे से डार्क सर्कल वगैरह जो है इसका छिप जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट ले रही हूँ फेसेस कनाडा का, जिससे मेरा जो है सेट हो जाए अपना जो कंसीलर। उसके बाद ये ऑरेंज कलर का शेड लेके अपने पूरे लिड पे से अच्छे से अप्लाई करेंगे। और ये जो आई शेडो पैलेट है ये मेकअप रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट, और मुझे ये आई शेडो पैलेट काफ़ी पसंद है गाइस, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेड अवेलेबल हैं, तो आप एक पैलेट से काफ़ी आई लुक क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद ये ब्लैक कलर का शेड लेकर अपने इनर कॉर्नर पे इस तरीके से वी बनाएंगे, और बीच में आपको गैपिंग रखना है इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे आपको कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है और ऊपर की तरफ से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इन सबको जो है ब्लेंड कर लेना है, ताकि कोई भी एजेस वगैरह मतलब हार्श लाइन वगैरह ना दिखे। तो इस तरीके से ब्लेंडिंग करना काफ़ी ज़रूरी है, मतलब ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। तो ये ब्लेंडिंग मेरी हो गई है, और अब मैं यहाँ पे लूँगी ब्राउन कलर का शेड। इसी ब्लैक के ऊपर मुझे ब्राउन कलर का शेड चाहिए, क्योंकि मुझे प्रॉपर ब्लैक वाले स्मोकी नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा सा ब्राउनिश वाला स्मोकी आउटर और इनर कॉर्नर में चाहिए। तो इस वजह से मैंने जो है बाद में अपना जो है ब्राउन कलर यूज़ किया है। उसके बाद सेंटर लिड पे मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँगी कंसीलर, और कुछ मैं कोशिश कर रही थी कि अपने से क्रीज लाइन का जो है टिक लग जाए, बट वो लग नहीं पाया था, तो मुझे ऐसे ही करना पड़ा था। कभी कभी टेक्निक्स नहीं काम आती हैं, है ना। तो इस तरीके से मैंने हाफ लिड पे जो है सेंटर लिड पे मैंने कट क्रीज बना लिया है, और एक कॉम्पैक्ट की हेल्प से इसे जो है सेट कर लेंगे ताकि कट क्रीज अपनी जगह रहे। उसके बाद सेम पैलेट की हेल्प से मैंने गोल्डन कलर का जो है आई शेडो ले लिया है। ये थोड़ा सा शिमरी टाइप का है, बट प्रॉपर शिमरी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्लिटर यूज़ करूँगी। और जैसे कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो और आप लोग को पता ही होगा कि मैं कौन सा ग्लिटर मतलब कितना ग्लिटर यूज़ करती हूँ, तो ये गोल्डन ग्लिटर लिया है। और ये जो पैलेट थी ये मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट है, काफ़ी अच्छी पैलेट है गाइस, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे शेड्स हैं ग्लिटर्स के। ये सिर्फ ग्लिटर ही है यहाँ पे, प्रेस्ड ग्लिटर, काफ़ी अच्छी पैलेट है गाइस ये। उसके बाद मैंने यहाँ पे बेला वॉसले का जो है लाइनर यूज़ किया है, और ये स्केच लाइनर है, बिगनर्स के लिए तो काफ़ी अच्छा लाइनर होगा गाइस ये। इसकी टिप बहुत ही अच्छी है, काफ़ी अच्छा जो है आपको फाइन जो है लाइनर ड्रॉ करके देता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे विंग लाइनर अप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा यू नो ब्रॉड नहीं रखूँगी और ना ही बहुत ज़्यादा थिन रखूँगी, मैं मीडियम का रखूँगी, क्योंकि मुझे ब्रॉड नहीं लगाना था। मैंने फॉल्स आईलैशेस अप्लाई कर लिया था। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब का रोज़ ग्लो टोनर, मुझे काफ़ी पसंद है। उसके बाद मैं यहाँ पे सीरम यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब का, और ये जो है ये जो सीरम है मुझे काफ़ी पसंद है सीरम, क्योंकि ये विंटर्स के लिए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड कर देता है इंस्टेंट। तो टोनर के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही थी सीरम, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्पल का जो है प्राइमर यूज़ किया है, मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा गाइस। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और ऑयली स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है, बट
ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया एडियस की जो है पैन स्टिक, और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी गाइस, क्योंकि इसका कवरेज आप देख सकते हो कितना अच्छा कवरेज है इसका, और थोड़ा सा वाइट है बट ये अभी थोड़ी देर बाद सेट हो जाएगा अपने आप। तो एक शेड मैं लाइट इसलिए लेती हूँ क्योंकि ये सब प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होते हैं, तो अभी आप देखिएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, थोड़ा सा वाइट लग रहा है बट अभी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जो स्पॉन्ज लिया है, स्पॉन्ज के हम से इसे सेट कर लेंगे। अच्छा कवरेज दिया है एरियस की जो है ये पैन स्टिक, और ये 100 रुपीज़ समथिंग की आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगी, और अगर इसका लिंक दे पाए तो दे दूंगी लेकिन आपको आराम से लोकल मार्केट में मिल जाएगी। NYB का मैंने यहाँ पे कंसीलर प्लस फाउंडेशन स्टिक लिया है, काफ़ी अच्छी है। आप अगर जो है ये एडीएस का नहीं लगाना चाहते हो तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी है गाइस ये, और ये मेरा शेड है और देखिए आप एकदम मेरे शेड से मिल चुका है। उसके बाद सारे प्रोडक्ट का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लोग चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने सेट कर लिया है। अब कॉम्पैक्ट के बारे में, कॉम्पैक्ट मैंने यहाँ पे लिया है फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट, और अफोर्डेबल भी है, लाइक 199 समथिंग का, बट काफ़ी पिगमेंटेड है, काफ़ी अच्छा है ये। उसके बाद आई मेकअप को फिनिश करते हैं। आई मेकअप के लिए मैंने फिर से वही ब्लैक कलर का शेड पिक किया है और अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लूँगी, और सेम जो है पैलेट के से गोल्डन कलर भी अप्लाई कर लिया जो मैंने ग्लिटर मेकअप रेवोल्यूशन का लिया था। वाइट काजल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, और अभी मैं यहाँ पे मस्कारा यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा का, काफ़ी अच्छा मस्कारा है गाइज, इसकी जो टिप्स है वो काफ़ी अच्छी है तो इजली लग जा रहा है ये। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे फेसेस कनाडा का लिया है यहाँ पे ब्लश पैलेट, और इसमें कॉन्ट्रोल भी है, ब्लश भी है, हाइलाइटर भी है, तो एक पैलेट में सब कुछ है और बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। बहुत ज़्यादा जो डार्क पिगमेंटेशन वाला नहीं है ये, लाइट है, बिगनर्स आराम से इसे यूज़ कर सकते। तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोलिंग वगैरह नहीं चाहते हो, लाइट सी चाहते हो, तो आप ये पैलेट ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैं यहाँ पे अपनी चीक्स, अपने नोज़ वगैरह को भी कंट्रोल कर ले रही हूँ बहुत लाइट लाइट सा। तो इस तरीके से देखिए आप हो चुका है मेरा कंट्रोलिंग। अब मैं ब्लश सेम पैलेट के हम से ब्लश भी ले रही हूँ, और इसका सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा सा मेरा लुक, बेस बेस सब कुछ कितना अच्छा सा हो चुका है। हाइलाइटर अप्लाई कर लेंगे अपना डैम स्पॉन्ज के हम से, इससे काफ़ी अच्छा हाइलाइटर लगता है। और मैंने यहाँ पे शीन की आईलैशेस अप्लाई किया था गाइस, और ये ब्रिज ऑफ द नोज़ पे अप्लाई कर लिया, और आप देख सकते हैं कितना फ्लॉलेस मेरा फेस लग रहा है। मैंने यहाँ पे लिया है लिप क्रॉन पर्पल की, काफ़ी खूबसूरत सा शेड था गाइस, ये बहुत ही अच्छा शेड था, और आप ये शेड जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। और इसकी लिप क्रॉन पर्पल की बहुत अच्छी होती है, इतनी ज़्यादा पिगमेंटेड होती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। उसके बाद मैंने यहाँ फेसेस कनाडा का यूज़ किया है मेकअप सेटिंग स्प्रे, काफ़ी अच्छा स्प्रे है, आप देखते हो मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में इसे यूज़ करती हूँ। तो ये है मेरा पाकिस्तानी स्टाइल वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल रिंग को ज़रूर हिट करिएगा ताकि मेरे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग से मिस ना हो। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए गला थोड़ा ख़राब था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।